एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय व्लॉग। और आज देखो कितनी बढ़िया धूप निकल रखी है। ओह भाई, सर्दियों की धूप तो बस पूछो ही मत, मेरे को तो बहुत पसंद है। तो चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मेरा कहीं पे, वैसे तो मैं अपने व्लॉग में कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ कि आज यहाँ गए हैं, आज यहाँ गए हैं, बट आज मैं कहीं गई नहीं हूँ। आज का व्लॉग इसलिए क्योंकि आजकल न्यूजीलैंड में चल रहा है विजिटर वीज़ा पे लोग आ रहे हैं, विजिटर वीज़ा को लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं अपने वर्क वीज़ा में, और इंडिया से ही वर्क वीज़ा लेके आ रहे हैं सो ऑन ना। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने, इवन फैमिली मेम्बर्स ने भी, वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं न्यूजीलैंड आने के लिए। तो फ़ोन करके पूछते हैं भाई क्या हिसाब किताब है वहाँ पर, ना कैसा है, कैसे आ सकते हैं हम। तो भाई जितना हमें पता होता है हम उनको बता देते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग यही है, शॉर्ट ब्लॉग, तो अबाउट न्यूजीलैंड। सो हाँ, तो आप आ सकते हो न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा पे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं आपको, मतलब आप आ सकते हो न्यूजीलैंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, न्यूजीलैंड वर्क, न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा। यस, कोई भी आ सकता है भाई आराम से विजिटर वीज़ा पे। इमिग्रेशन की साइट पे जाओ, चेकलिस्ट देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनके लिए, गो थ्रू करो और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, विजिटर वीज़ा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है उसमें, उतने ही दिन में आपका विजिटर वीज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है विजिटर वीज़ा को भाई वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने का, ठीक है। उसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली लोगों को ऐसा जो लग रहा है, जिनसे मेरी भी बात हुई है, उनको ये लगता है कि यहाँ पे आएंगे और ऐसी जॉब मिल जानी है और जॉब मिल के सीधा वर्क वीज़ा सपोर्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो कि आप किस फील्ड में स्किल्ड हो ना। तो क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी सारी यहाँ पे साइक्लोन वगैरह आने के बाद ना और भी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। तो काफ़ी सारी जॉब्स हैं जिसमें शॉर्टेज चल रही है और जिनके लिए इनको ज़रूरत है लोगों की ना, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, और भी बहुत सारी है ना। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कौन कौन सी जॉब्स में ज़्यादातर डिमांड है अभी इस वक्त। तो आप अच्छे से सबसे पहले अपना CV बनाओ, ठीक है। CV के बाद अपना कवर लेटर बनाओ, और CV में आप वही चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करो जिस चीज़ के लिए मतलब आप अपनी जॉब अप्लाई कर रहे हो। तो उसके बाद आपका, अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वेबसाइट के लिंक भी डाल रखे हैं कि जिन पे जाके आप अपने मतलब जॉब CV को सबमिट, CV अप्लाई करो, जॉब्स देखो वहाँ पे, और जौन सी जॉब आपको लगता है कि हाँ भाई आई एम एलिजिबल और मैं कर सकती हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, उस जॉब पे जाके अपने CV को अप्लाई करो, सबमिट करो अपना CV। अगर आपका CV सिलेक्ट हो जाता है तो भाई वही बात है कि जब अगर एम्प्लॉयर को आपका CV पसंद आता है तो डेफिनेटली एक इंटरव्यू प्रोसेस होना है। इंटरव्यू प्रोसेस के बाद अगर उसको सब कुछ ठीक लगता है तो आपको ऑफकोर्स आपको जॉब ऑफर मिलेगा। और जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है जिसमें कि आपकी कंडीशन होती है कि एटलीस्ट आपकी मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए एक वर्क वीज़ा मिलने के लिए, तो उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो वर्क वीज़ा से रिलेटेड, अपना सबमिट करो, तो आपका वर्क वीज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि आप आए और सीधा ही वर्क वीज़ा मिल गया, ऐसे आप वही प्रोसेस है, अपनी जॉब ढूंढो, ठीक है। और जॉब के बाद आप, एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करता है, उसके बाद आप अपने इमिग्रेशन की वेबसाइट का लिंक, अगर नहीं पता तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो भी डाला है, उस पर जाओ, फर्दर और भी डिटेल आप देख सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन है अबाउट वर्क वीज़ा। तो भाई क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो जाइए देखिए, ठीक है। तो जितना मुझे पता है मैंने अभी इसके साथ शेयर किया है, तो था भाई न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा कन्वर्ट टू वर्क वीज़ा। सो सबसे अच्छी बात है अगर आपका ना, पता है क्या है, रेफरेंस देखो हर जगह मैटर करता है, चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी हो। अगर मान अपने बिजनेस के लिए, स्पेशली बिजनेस वालों के लिए ना, जो मेरी नोन में कोई है जिसको अपने बिजनेस के लिए भाई चाहिए बंदे ना काम के लिए, तो अगर मैं, वही बात है, रेफरेंस मैटर करती है। तो अगर आपके नोन में कोई ऐसा है ना कि भाई जिसके पास ऐसी कुछ रेफरेंस है या बन सकते हैं, तो प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि ऑफकोर्स रेफरेंस तो मैटर करती है बट लक भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ रेफरेंस पे डिपेंड है, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ना। तो यही है कि, लेकिन हाँ, जो कि इंडिया में आजकल क्या हो रहा है, इंडिया में लोग मतलब जो भी एजेंट बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो लोगों को बोलते थे भाई इतने लाख दे दो, सीधा वहाँ पे ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता।
पहले आप अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करो, ठीक है। हर चीज़ को डिटेल में जाके देखो, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि पता है क्या, फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। और जब लोग एक बार बाहर आ जाते हैं ना, तब वो ना इधर के होते ना उधर के, फिर उनको लगता है हमारे साथ तो ये हुआ, हमें आने से पहले ये करना चाहिए था वो। तो मैं फिर भी यही सजेस्ट करूँगी ना कि अपना, जैसे कि जब भी अपना स्टार्ट करो, तो जब भी, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप अपना ये, अगर आपके मन में है कि भाई हमें बाहर जाना है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो ना, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कैनेडा हो, व्हाटएवर, तो उसके आने से पहले, कुछ करने से पहले प्रॉपर उसको सर्च करो, अच्छे से उसके बारे में देखो। और ठीक है, बाकी मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और भी आप लोगों को बताना चाहिए, डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊँ। बट फिलहाल इसके लिए यही है कि हाँ, वर्क, आप विजिटर वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क वीज़ा में। बस।